जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जना बाहल्लभा गिरिवर धारी गोपी जना गोपी जना बाहल्लभा गिरिवर धारी गोपी जना यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा यमुना तेरा बन चारी यमुना तेरा बन राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना बाहल्लभा गिरिवर धारी गोपी जना बाल्लभा गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा बन चारी यमुना तेरा वन चारी यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा कृता कृता हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे कृता हरे कृष्णा, कृता कृता हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृता हरे कृष्णा। गौरनिताय कृता वल्लरा ललिता विशाखा जय राधे श्या, गौरनिताय कृता वल्ल प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभु प्रभुपाद प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गौरनिताय की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा श्याम श्रीमल ललिता विशाखा देवी की जय, श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, गौर प्रेम नंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो जो भागवत के जो चैतन्य चरितामृत के जो श्लोक हैं उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक कैसे हैं? एक तो वैदिक जो स्तुतियां हैं या वैदिक जो शास्त्र हैं उनमें से उत्तम उत्तम स्तुतियों के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है, इसलिए इसको उत्तम श्लोक बोला गया। दूसरा जो है क्या नाम है, ये जो स्तुतियाँ हैं ये उत्तम है, भगवान की तरह ही श्रेष्ठ है, तो इसलिए इन स्तुतियों के या भागवत के श्रवण करने से चैतन्य चरितामृत के श्रवण करने से क्या होता है ना, हृदय अंतस्थ ही अवद्राणी अवद्राणी हृदय अंतस्थ, जो अवद्र हमारे हृदय में है तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्रायेषु अभद्रेषु नष्टेषु, तो जो अभद्र क्या होते हैं, खत्म होते हैं। और फिर उसके बाद में जब अभद्र खत्म होंगे तो भक्तिर भवती नैष्ठिकी, फिर हमारी नैष्ठिकी भक्ति हो गई। नैष्ठिकी मतलब भगवान की सेवा में कथा में कीर्तन में जप में निष्ठा आ जाएगी, रुचि होने लगेगी, फिर उसको हम छोड़ नहीं सकते। संसार को छोड़ देंगे लेकिन भजन कीर्तन को सत्संग को नहीं छोड़ सकते, ये है नेक्स्ट की बात। तो कैसे होगी, ऐसी होगी सुन सुन करके। तो आज श्लोक है 107 है 107 कहाँ है बोर्ड। अच्छा, तवे आत्मा बेची कर ऋणे रसोधन, तवे आत्मा बेची कर ऋणे रसोधन,
एई भावे आचार्य करेन आराधन, एई भावे आचार्य करेन आराधन, तबे आत्मा बेची करे ऋणे रसोधन, तवे आत्मा बेची करे ऋणे रसोधन, एवी भावे आचार्य करेन आराधन, एवी भावे आचार्य करेन आराधन। एक बार सब मिल के बोल दो, शब्दार्थ तवे तब आत्मा स्वयं बेची बेचकर करे करते हैं ऋणेरा ऋण की शोधन भुगतान, एता इस प्रकार भावी सोचकर आचार्य अद्वैताचार्य करेना करते हैं आराधना पूजा। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, इसके पहले भी कुछ श्लोक है ना, तो इसमें जो है 103 इसको भी हम पढ़ते हैं, फिर इसका अनुवाद और करेंगे। कृष्ण बस करिवेन को नाराधने विचारिते एही श्लोक आयलतार मने। जब वे पूजा द्वारा कृष्ण को वश में करने के विषय में सोच रहे थे, तब उनके मन में निम्नलिखित श्लोक आया। कौन सोच रहे थे? अद्वैत आचार्य सोच रहे। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुकुलेन वा विक्रीणते स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल श्री कृष्ण अपने आप को उस भक्त के हाथ बेच देते हैं जो उन्हें केवल तुलसी दल तथा एक अंजलि भर जल अर्पित करता है। यह श्लोक गौतमीय तंत्र में उससे लिया गया है। एक एही श्लोकार्थ आचार्य करेन विचारण कृष्ण के तुलसी जल देयेन जन तार ऋण सोदते कृष्ण करेन चिंतन जल तुलसी रसम किछु धरे नाही धन। अद्वैत आचार्य ने इस श्लोक के अर्थ पर इस प्रकार विचार किया, जो कृष्ण को तुलसी दल तथा जल अर्पित करता है उसके ऋण को चुकाने की कोई विधि न पाकर भगवान कृष्ण सोचते हैं, मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो तुलसी दल तथा जल की समता कर सके। तुलसी महारानी की, गंगा मैया की। तो आचार्य सोचे और उनको उपाय मिला, तुलसी दल और गंगा जल, इससे भगवान की पूजा की जाए। जब इससे पूजा की जाती तो भगवान क्या करते हैं, अपने को बेच देते हैं, गिरवी रख जाते हैं उस भक्त के पास, गिरवी गिरवी के रूप में हो जाते हैं। यही तो बात कह रहे हैं, तवे आत्मा बेची करे ऋणे रसोदन, जो उसकी पूजा का जो ऋण है उसने तो पूजा कर दी,
अब भाई उसका ऋण हो गया कि नहीं हो गया, किसी ने हमें कुछ खिला पिला दिया, कुछ दान दक्षिणा दे दी, तो कुछ उनका ऋण हुआ कि नहीं हुआ हमारे ऊपर, तो हमारा भी तो कुछ दायित्व बनता है, कुछ आशीर्वाद देना, कुछ कथा कीर्तन सुनाना, कि केवल खा पी के दक्षिणा लेके ऐसे ही हरि बोल बात करके ऐसे थोड़े काम चल जाएगा, कुछ तो देना पड़ेगा ना, पत्रम पुष्पम कुछ तो दो भाई आप उनको। तो ददाति इस क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, नहीं तो ऋण हो जाएगा। इसलिए भगवान बोलते हैं कि ये ऋण तो चढ़ा दिया इन्होंने, तो बोल रहे हैं उस ऋण को कैसे चुकता करेंगे, तवे आत्मा बेची करे, तवे आत्मा, आत्मा मतलब अपने आप को। भगवान सोचते हैं कि तवे आत्मा बेची करे ऋणेर शोधन, इस शोधन का, ये ऋण का जो शोधन है क्या करूंगा मैं, अपने को बेच करके करूंगा, अपने को बेच का मतलब अपने को ही उनको दे दूंगा। भाई क्यों भगवान ऐसा देना चाहते हैं अपने को, इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें संसार में क्या, अपने लोक में क्या, अपने घर में क्या, बैंक अकाउंट में क्या, कहीं इतना इसके बराबर जो भक्त ने जो उनकी सेवा कर दी, पूजा कर दी, प्रणाम कर दिया, कथा कीर्तन सुन लिया, उसके बराबर दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता कि इसको दे करके उसका ऋण चुकता हो जाएगा। सोच लो भगवान छोटी सी वस्तु को कितना मानते हैं, ये सब के अंदर एक प्रवृत्ति आ जाए तो संसार की सब समस्या ही खत्म हो जाए, सब समस्या खत्म हो जाए, थोड़ा थोड़ा देते रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो यम, प्रभुपाद जी ने आगे चल करके इस श्लोक को कोट किया है, थोड़ा थोड़ा सबको देते रहना चाहिए, निकालते रहना चाहिए। ईशोपनिषद का तो यही तो है, श्लोक पहला जो है, ईशावास्येदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्वक्तेन भुंजे था माग्रत कश्य स्विदधनम। ईशावास्य, ईशा आवास, भाई सब वस्तुएं तो भगवान की है ना, हम तो बस कुछ समय पहले से आकर के दावा कर रहे हैं, इसके पहले तो हम थे नहीं ना इधर दावा करने वाले, तो दूसरे की संपत्ति का आग करके हमने दावा ठोक दिया, ये हमारी हो गई जो। अरे कल तुम आए और फिर कल ही जाने वाले हैं, सुबह आए शाम की टिकट हो चुकी है और रेडी, और बोल रहे हैं मेरी प्रॉपर्टी है, ये सब है। तो इसलिए इस आवास्य जो संसार में कुछ भी चीजें भगवान की है, यत किंचित, यत किंचित जगत्याम जगत, जगत के अंदर यत किंचित मतलब थोड़ी से थोड़ी भी देख लो सब उनकी है। तो इसलिए हमें क्या करना है भाई, ठीक है क्या करना चाहिए हमें, तो तेन त्वक्तेन भुंजेता, तेन त्यक्त्वेन भुंजेता, जितनी जरूरत है उतना ही लो उसमें से, समझे ना, ज्यादा लोगे तो चोर कहलाओगे, दूसरे की चुरा ली ना, आजकल खुद चुरा रहे, हम तो चुरा करके बैठे हैं, कितने कितने पीढ़ियों का हम जो है क्या नाम व्यवस्था करके जाना चाह रहे हैं, हमारा तो हो जाएगा लेकिन बेटाओं का भी होना चाहिए, लेकिन बेटाओं के बेटाओं का, उनके बेटाओं का, उनके कितनी पीढ़ियों की हम व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये चुराई कि नहीं चुराई, जो हमने इकट्ठा करके रखी हो सकता है कि उसमें से और हम विभाजित करते तो कितने सारे लोगों का पालन पोषण हो जाता उसमें से। आज संसार में लोग भर देते हैं नोटों के, जहाँ निकलते हैं तो पूरे खजाने निकल पड़ते हैं, एक एक बेचारा भूखा मर रहा है और एक एक जगह जो है पूरे भंडार भरे पड़े हैं, है कि नहीं, ये सब चुराई हुई संपत्ति है कि नहीं चुराई, भाई तुम कितना खाओगे इसमें से, तो बहुत गौर करने वाली बात है। इसलिए भगवान ने कहा तेन त्वक्तेन, शास्त्र वेद बोल रहे हैं तेन त्यक्त्वेन भुंजी था, त्यक्त बस जितनी जरूरत लो बाकी छोड़ दो, जितना आप भोग कर सकते हैं बस उतना, स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। नारद जी जब मृगारी से मिले तो उसकी समस्या को सुने, उन्होंने कहा जी मैं इसलिए पशुओं को मार रहा हूँ, खाने पीने के लिए नहीं है, यही तो मेरा भोजन है, इसी से सब व्यवसाय चल रहा है मेरा। बोला ठीक है, तेरी भरण पोषण की चिंता हम करेंगे,
लेकिन जो ज्यादा आएगा आपको कलेक्शन नहीं करना है फिर, साफ तुरंत सेम डे उसको वितरण करना है। राजी है? बोला हाँ राजी है। तो बस फिर जो आने लगा, जो भंडार आने लगा, लेकिन उन्होंने कलेक्शन नहीं किया, और इसका परिणाम था आगे चल करके महान ऋषि बने वो। यदि हम टिके रहेंगे धर्म के ऊपर, शास्त्र वचनों के ऊपर, यही तो भजन क्रिया है। भजन क्रिया के मतलब है, भजन क्रिया का मतलब होता है कि जो आचार्यों ने शास्त्रों में जो दिया है उसके ऊपर विश्वास, और विश्वास करके उसके ऊपर अमल करना, चलना, यही भजन क्रिया है। कभी कभी हम सुनते भी है, हमें ये मालूम है कि हाँ बात सही है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हम। लेकिन प्रैक्टिकल करना चाहिए हम लोग, यही भजन क्रिया। विश्वास करो शास्त्र वचनों पर और उस पर प्रैक्टिकल अमल करो, हाँ आचरण में लाओ उसको, तब जाके होगा। तो इस यहाँ पर भी जो है यही बात बताई जा रही है, तबे आत्मा बेची करे ऋणे रसोदर, तो तेन त्यक्तेन भुंजेत माग्रद कश्य सुधनम। इसलिए हमें जितना जरूरत है उतना ही रखो, बाकी सब दे दो, दूसरों के कल्याण के लिए दे दो। कितने सारे प्राणी घूम रहे हैं बेचारे भूखे प्यासे, उनको भी खिला दो भाई, क्योंकि उनका थोड़ी कोई संपत्ति पर हक जमाए हैं, है कि नहीं। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कुछ उत्पन्न कर सकता है, बाकी कौन उत्पन्न करेगा भाई? 84 लाख में पशु नहीं, पक्षी नहीं, कीट नहीं, पतंग नहीं, ये तो किसके ऊपर आश्रित है? हम लोगों के ऊपर आश्रित है ना, प्राणियों के ऊपर आश्रित है। तो इसलिए भाई इनका भी ख्याल रखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे, जो ये सोचता है कि सभी प्राणी सुखी रहे, वो सबको जो दे करके खिला खाता है तो वो सुखी रहता है, भगवान खूब प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते, जो दूसरों का भी ख्याल रखता। तो अनुवाद है, इस प्रकार भगवान अपने आप को भक्त के हाथ अर्पित करके अपना ऋण चुकाते हैं। देखो भगवान कितने सीरियस हैं इस बात के लिए, हम हो ना हो लेकिन भगवान सीरियस है, समझे। जिसको कोई जरूरत नहीं है सीरियस होने की, चुकाए चुकाए नहीं चुकाए नहीं चुकाए, थोड़ी कोई हमारे वो कर्जदार है या वो है अंडर है, लेकिन फिर भी छोटी सी वस्तु को भगवान कितना अधिक मानना है, अपने को ऋणी मान लेते हैं। इधर पंखा होना चाहिए था। तो इस तरह विचार करके आचार्य ने भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी है, ये विश्वास करके कि भगवान को कोई थोड़ा भी तो दे देना है, तो भगवान बिछ जाते हैं, ये सोच करके उन्होंने फिर भगवान की पूजा शुरू की है। उनको विश्वास था कि मैं जो पूजा करूँगा है, जो सेवा करूँगा, भगवान है उसको स्वीकार करेंगे और 100% उसके बदले देंगे। तो ये सोच करके आचार्य जो है शुरुआत कर रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण को एक तुलसी दल तथा थोड़े से जल से सरलता पूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है। जैसा कि भगवद गीता 9:26 में भगवान कहते हैं, यदि कोई भक्ति पूर्वक उन्हें एक पत्र, एक फूल, एक फल और कुछ जल अर्पित करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्तों की सेवा विश्व भर में कहीं भी स्वीकार करते हैं। तो भक्त लोग सोचते हैं भाई वृंदावन में ही अच्छा भजन होगा, अच्छी बात है वृंदावन में अच्छा भजन होगा, लेकिन ये मन सोचो
कि बॉम्बे में नहीं होगा या पाकिस्तान में नहीं होगा, सब जगह होगा। भक्ति करने वाले तो वहाँ भी कर रहे हैं और भगवान सबकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। यदि कोई बॉम्बे में भजन कर रहा है तो यहाँ से ज़्यादा ग्लोरियस है, क्योंकि यहाँ तो सब सुविधा है, जहाँ भी निकलो वहीं सब साधु महात्मा, या तो इजली है। यहाँ तो केवल बस देखा देखी ही आप भजन करते रहेंगे और भजन हो जाता है इधर। लेकिन अन्य अन्य जगह पर जहाँ बिल्कुल वातावरण अनुकूल नहीं है, यदि ऐसे स्थानों पर यदि हम भजन करते हैं तो ये ज़्यादा महिमा मंडित है, प्रशंसनीय है। तो इसलिए भगवान तो वहाँ भी वस्तुओं को हमारी को स्वीकार करेंगे, हमारी भक्ति को स्वीकार करेंगे। वे अपने भक्तों की सेवा विश्वभर में कहीं भी स्वीकार करते हैं। संसार के किसी भी भाग में गरीब से गरीब भक्त भी एक छोटा सा फूल, फल, पत्र या थोड़ा सा जल प्राप्त कर सकता है, और इन्हें अथवा विशेष रूप से तुलसी दल और गंगा जल कृष्ण को भक्ति पूर्वक अर्पित किया जाता है तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कृष्ण ऐसी भक्ति से इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इसके बदले में वे अपने भक्त को आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो क्या समझे इससे? इससे समझना चाहिए कि इन वस्तुओं में मुख्य क्या है। भक्ति मुख्य है, प्रेम मुख्य है, इसलिए तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को कोट किया। तुलसी महारानी पूजनीय है, ठीक है ना, गंगाजल भी पवित्र है, लेकिन ये सारी वस्तुओं का जो प्रभाव है, हालांकि होता है, क्योंकि कभी कभी जो है वस्तु का जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव के अनुसार वो प्रभाव दिखाता है। जैसे अग्नि का स्वभाव है वो जलाना, लेकिन वो अग्नि यदि पानी में होगी तो अपना स्वभाव को नहीं प्रकट कर पाएगी, लेकिन सूखे में तो बहुत तेजी से प्रकट कर देती है। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें स्वभाव है इनका, ये पवित्र करती हैं, लेकिन यदि इसमें प्रेम हो तब तो ये बहुत ही ग्लोरियस हो जाती, बहुत इनका प्रभाव असंख्य गुना बढ़ जाता। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को कोट किया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति। भक्ति भाव से भगवान बोलते हैं तदहम भक्ति उपहरत असनामी, उसने चूंकि प्रेम से मेरे को खिलाया है, भक्ति से खिलाया, भक्ति से अर्पित किया। ये प्रेम बहुत जरूरी है। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन ने कहा चलो कृष्ण 56 प्रकार के व्यंजन अब तैयार हैं आपके लिए, भोजन तैयार है। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है दुर्योधन, तो आप मेरी बात को मान लो, ये जो है राजीनामा कर लो, 5 गांव दे दो, वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी आप रख लो, नो प्रॉब्लम, और फिर चलते हैं आपके यहीं, तो चलते हैं हम तो आपके यहीं आए हैं। बोला ये नहीं हो सकता, आप तो 5 गांव की बात करते हैं, मैं सुई की नोक रखने के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं है। तो भगवान ने कहा अरे तू खाना खिलाना चाह रहा है, भोजन कराना चाह रहा है, बात मानता नहीं हमारी है? तो भगवान ने कहा कि देख दुर्योधन, मैं तेरे 56 प्रकार के व्यंजनों के लिए भूखा नहीं। भाई भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है। पहली परिस्थिति या तो किसी के सामने वाले के प्राण निकल रहे हो, बिना अब लग नहीं रहा है तो फिर अब जाति पाति पूछने की जरूरत नहीं, कौन बनाया कैसे बनाया, अब चुपचाप खा लो, अपने शरीर का पोषण करो। और दूसरा है कभी कभी भूख भी नहीं होती है लेकिन सामने वाले का प्रेम होता है, तो भी कभी कभी न चाह करके भी प्रेम को देख करके चलो ठीक है, आप बोलते हैं थोड़ा ले लेते हैं, ज्यादा नहीं ठीक है। तो भगवान ने कहा कि देख दुर्योधन, तू सोच रहा है कि तेरे 56 प्रकार के भोजन, ये जान लो है मेरी ऐसे
दम नहीं निकल रही है, प्राण नहीं निकल रहे हैं, मैं तेरे 56 प्रकार का भोजन जो भूखा भूखा नहीं हूँ, मुझे ऐसी भूख भी नहीं है, और दूसरा मैं देखता हूँ कि तेरा भाव भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, इसलिए मैं तेरे यहाँ नहीं खा सकता था। और भगवान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। और जहाँ प्रेम होता है, और भगवान वहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, विद्रानी के, और विद्रानी तो पागल हो गई, अरे कन्हैया आया है, अरे कृष्ण आया है, मेरे घर में आया है, अरे राम राम राम, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, उठक पटक, ये होता है प्रेम में, व्यक्ति पागल हो जाता है, प्रेम का नशा ऐसा होता है, पागल हो जाता है, क्या करूँ क्या खिलाऊँ, कहाँ बिठाऊँ कहाँ उठाऊँ। तो और तो कुछ था नहीं, जैसे कथाओं में सुनते आए हैं, तो जो छिलक जो केला थे केला ही उनको दिए, लेकिन केला दिए तो अच्छी बात थी, चलो भाई वो भी तो फल है ना, पत्रम पुष्पम फलम, लेकिन फल दिए होते केला दिए थे अच्छी बात है, लेकिन केलाओं के छिलके दिए उन्होंने, लेकिन चूंकि प्रेम था, ये प्रेम की बात है, भगवान प्रेम से कहीं भी कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं, तो उनके छिलकों को भी खाए और बहुत टेस्टी से खाए। भक्तमाल में लिखा है कि भगवान ने उन छिलकों में माता यशोदा जैसे मक्खन खिलाती थी ना अपने हाथ से, ऐसे विदुरानी के उस छिलकों में उन्होंने ऐसा स्वाद अनुभव किया, माता यशोदा की तरह स्वाद अनुभव किया, इतना भगवान प्रसन्न थे वो। तो इसलिए इन वस्तुओं के साथ साथ में प्रेम बहुत जरूरत है, इसलिए क्या नाम है, हम श्रवणम कीर्तनम में सबसे टॉप क्या है, प्रेम है ना, लास्ट में क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु नहीं, ओ सॉरी नवदा भक्ति में नहीं, नवदा भक्ति में नहीं, जो क्या नाम है, जो जो भक्ति की जो प्रोसेस है, क्या नाम है, श्रद्धा है, आदव श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, ये भी तो नौ ही है ना। तो ये जो प्रेम है ये मुख्य कहा जाता है, समझे, जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है। तो इसलिए ये जितनी भी विधियाँ चल रही हैं ये सब यहाँ तक आने के लिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, आगे चल पढ़ते हैं हम, कहा जाता है कि कृष्ण ऐसी भक्ति से इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इसके बदले में वे अपने भक्त को आत्मसमर्पण कर देते हैं। श्रील अद्वैताचार्य इस तथ्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने तुलसी दल तथा गंगा जल से भगवान की पूजा करके उनसे अवतरित होने के लिए आवाहन करने का निश्चय किया। तुलसी दल और गंगा जल पुकारे उनको, नाम ले लेकर के पुकारे, प्रभु हे गोविंद हे गोपीनाथ हे गिरधारी हे माधव हे मदन मोहन प्लीज आओ, आप आओ, बिना आपके आए तो काम चलेगा ना। तो भगवान उनकी पुकार को सुन, जो हृदय से जो पुकार उठी एक खींच लेती है भगवान को, खींचती है। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनाशलाकय चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदांतिकम। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम श्रीगुरून वैष्णवांच श्रीरूपम शाग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री पार्षादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूतैर्महद्वीय इमां पुरो विभो निर्माय सेते यदमुष पुरुष भुङ्क्ते गुणानसोऽडसोऽडसात्मकं सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान के प्राकट के बाह्य कारणों का वर्णन किया जा रहा है। भगवान किसके लिए प्रकट होते हैं? तो यहाँ पर हम जैसे सुनने हैं कि जब अद्वैताचार्य ने देखा कि कैसे लोग जो है केह पापे केह पुण्य करे विषय भोग। अद्वैताचार्य ने जब संसार की स्थिति को देखा तो उनको बहुत दुख हुआ। आप सभी जानते हैं कि अद्वैताचार्य महाविष्णु और सदाशिव हैं, उन्हीं का मिलित विग्रह है। तो जब कली का शुभारंभ होने वाला था और उस समय भगवान शिव जी ने देखा कि आने वाला जो समय है उसकी बहुत दयनीय स्थिति होगी। प्रायण अल्पायुषु सभ्य कलवस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य पात्र था। लोग बहुत पशु पशु से भी नीचे गिर जाएंगे, इतने मतलब पतन हो जाएगा। तो इसलिए उनको बहुत कष्ट हुआ और इसी का उपाय जानने के लिए वो क्या किए, महाविष्णु के पास में गए और उनसे सारी बात बताई कैसी सी बात है, इन कलियुग के प्राणियों के लिए क्या करना चाहिए। तो महाविष्णु सुने शिव जी इतने चिंतित हैं समस्त प्राणियों के लिए तो उनका हृदय भर गया और दौड़ करके उन्होंने क्या किया, शिव जी का आलिंगन किया। और जैसे ही आलिंगन किया तो दोनों का एक हो गया और वो हुए अद्वैताचार्य। तो अद्वैताचार्य जो है स्वयं महाविष्णु और सदाशिव का मिलित विग्रह। तो इस प्रकार जो है अद्वैताचार्य ने आकर के देखा कलियुगात कलियुग के जीवात्माओं की स्थिति को, तो उन्होंने देखा कैसे लोग भोगों में लिप्त हो चुके हैं। बोल रहे हैं केह पापे केह पुण्य करे विषय भोग। जैसे भी हो, पाप से हो या पुण्य से हो, उनको क्या चाहिए, भोग चाहिए। संसार का प्राणी भोगों में लगा हुआ है। आज जहां भी देखो लोग केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, कैसे भोगों को भोगा जाए। तो भक्ति गंध नहीं आते याह भव रोग। दूसरा, लोग जो है चिंतित, बिल्कुल चिंता नहीं है किसके लिए,
है, उनको इस बात की चिंता नहीं है कि हमारा उद्धार कैसे होगा। भक्ति गंद नहीं आते लोगों में जो है, ये नहीं बिल्कुल भी बात दिमाग में है कि भाई भोग कितने दिन करेंगे, अंत में तो मरना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए फिर हमने कौन सी तैयारी करके रखी है। भगवान ने गीता में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, अनुदर्शन करो इनका, बार बार चिंतन करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान, ये दुख दोष है, दोषों से भरे हुए सबके साथ, तो अनुदर्शन दुख भी देने वाले हैं और दोष युक्त हैं ये, तो इसलिए अनुदर्शनम बार बार इनका चिंतन मनन करो, कैसे इससे हम बाहर निकलेंगे, कैसे इससे छुटकारा पाएंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भक्ति गंध नहीं, लोग इस बात को बिल्कुल चिंतित नहीं है कि भाई हम तो भजन के लिए आए हैं, भोगों के लिए थोड़ी आए हैं। भोगे रोग भयात, आज देख रहे हैं जितने भोगे भोग कितने हैं, इससे मालूम चलता है कि हॉस्पिटल कितने हैं, डॉक्टरों की संख्या कितनी है। आजकल तो जो कुछ नहीं जानता वो गांवों में वो भी बैग लेकर के दो चार सरेंज मेडिसिन कुछ भर करके वो भी जानता है, इतनी जहां भी चले जाओ सब जगह बाढ़ आ रही है मरीजों की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस एक ही है, भोग, भोगे रोग भयात, भोगों से रोग होते हैं, जितने भोगी होंगे उतने ही रोगी बनेंगे, वो सब संसार में भरे पड़ा है लोग। तो इसलिए उनको इस बात की चिंता हुई कि कैसे इन लोगों का कल्याण किया जाए, ये तो लोग सोए पड़े हैं। अब भाई जो सोया है तो जग जाएगा, लेकिन जानबूझ के सो गया अब उसको कैसे जगाया जाए, तो उसको तो ठाकुर ही जगा सकते हैं, क्योंकि वो ही सबके हृदय में दो चांटे मारेंगे अंदर से जग जाएगा, है कि नहीं। बाकी तो सोए वाले को कौन जगा, जिसको जगना नहीं तो उसको कौन जगाएगा, बाहर से तो नहीं जगा सकते। तो इसलिए उन्होंने जो है ये सोच करके भगवान को आह्वान किया है, और तुलसी दल और गंगा जल और सालगिराम को जो है अर्पण किए, और अर्पण करके पुकारे भगवान को, हे गोविंद आओ, आप प्रकट हुए, आपके बिना इस संसार की स्थिति को और कोई नहीं सुधार सकता, इस पतित जीवात्मा का और कोई कल्याण नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर जो है बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण को एक तुलसी दल और तथा थोड़े से जल से सरलता पूर्व प्रसन्न किया जा सकता है। इन कोई भी आइटम में भक्ति या प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है, समझे ना, ये आप ध्यान से सुन लेंगे। इसी के श्लोक में भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तुयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो इस श्लोक की जो है तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि नित्य सुख के स्थायी आनंद प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे, तत्पर हो, भगवान की प्रेमा भक्ति करे। जो दिव्य सुख को प्राप्त करना चाहता है, भगवत धाम को प्राप्त करना चाहता है, या ये भव रोग से छुटकारा चाहना चाहता है, उसको भक्ति करना चाहिए, प्रेमा भक्ति करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी ने जो है इस भक्ति के छह गुण बताए हैं, और वो छह गुण कौन से हैं, तो छह गुण है क्लेशाग्नि सुबदा मोक्ष लघुता कृति सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चसा। जो भगवान की जो भक्ति में प्रवृत्त होता है, इसलिए जो भक्ति है, तो तीन भागों में विभाजित की है। तो पहली जो भक्ति हमारी शुरुआत की, इसको कौन सी भक्ति बोलते हैं, साधना भक्ति बोलते हैं। और जब जो है फिर दूसरी भक्ति है भाव भक्ति कहलाती है, और तीसरी है प्रेमा भक्ति। तो जैसे ही हम साधना भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, तो उस साधना के प्रभाव से, उस भक्ति के माध्यम से, भजन के माध्यम से,
दो गुण प्रकट होते हैं, और दो गुण कौन कौन से हैं? क्लेशाग्नि और सुभदा। तो क्लेशाग्नि क्या है? तो बोलते हैं, रूप गोस्वामी बोलते हैं, क्लेशस्तु पापम तत् बीजम अविद्या चेति ते त्रिधा। ये तीन प्रकार की जो है, क्या नाम, क्लेश हैं। तीन प्रकार के क्लेश हैं। कौन कौन से? पापम, तत् बीजम और अविद्या। तो पाप क्या है? तो पाप है जो है, क्या नाम है, एक जो क्या नाम है, जो प्रारब्ध है, दूसरा अप्रारब्ध है, जो वर्तमान में हम जो भोग रहे हैं, और दूसरा जो है, पापम। तो पाप से जो है प्रारब्ध और अप्रारब्ध, पाप दो प्रकार का हो गया ये। और तत् बीजम, बीज क्या है? बीज है वासना, जो सुप्त रूप में हमारे इसमें है, वो ही तो बार 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 जब मौका लगता है तुरंत, चूंकि वासना तो है, भोगों की इच्छा तो है अंदर, और जैसे ही मौका मिलता है हम उसका लाभ ले लेते हैं, बेनिफिट ले लेते हैं, जहाँ भी मौका मिल जाता है हम चूकते नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अंदर है, इसलिए तत् बीजम, ये बीज है। और तीसरा है अविद्या। तो अविद्या क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविनिवेश, ये अविद्या है, पांच प्रकार की अविद्या। अविद्या में क्या है? अविद्या में, अविद्या का मतलब, अविद्या का मतलब होता है असत्य रे सत्य कर्माणि। ये अविद्या है, जो संसार में जो वस्तुएं टेम्परेरी हैं उनको हम परमानेंट करके जो है, और उनमें मन को लगाए हुए हैं, फंसाए हुए हैं उसमें, तो ये अविद्या है। अस्मिता क्या है? मैं और मेरा, बस सारा संसार है, मैं और ये मेरे, ये सब देख रहे हैं, ऐसा अपने ही हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसको अस्मिता बोलते हैं, मैं और मेरा, और राग और द्वेष सब जानते हैं, ईर्षा द्वेष समुझते न, भगवान ने गीता में कहा, द्वंद्व मोहिन भारत सर्वभूतानि संगो सर्गे आंति। ये सृष्टि के शुरू से ही चल रहे हैं, भरे पड़े हैं हमारे राग द्वेष और अविनिवेश, इनमें विशेष अविनिवेश, पूरी तरह आसक्त होना। तो ये जो भगवान की भक्ति है, जैसे ही साधना भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, तो ये क्या करती है जो है, इस कलेशों को खत्म करती है। जो तीन प्रकार का जो कलेश है, भक्ति के प्रभाव से खत्म हो जाता है। और दूसरा है सुवधा, सुवधा, शुभ देने वाली है। शुभ क्या है भाई? तो सुवानी प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्ता। तो सुवानी प्रीणनम सर्व जगताम, सर्व जगताम प्रीणनम, अर्थात वो व्यक्ति क्या करता है, सारे जगत के प्राणियों से प्रीति करने लग जाता है। धीरे धीरे करके जो भक्ति की एक खासियत होती है, जैसे जैसे हम भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, तो फिर हम सबसे फिर प्रेम, मतलब प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। और दूसरा है प्रीणम सर्व जगतम, अनुरक्ता सर्व जगतम, और समस्त जगत क्या करता है, उस भक्त से फिर प्रीति करता है। ये भी वास्तव है, एक नहीं है, प्रैक्टिकल आप जान देख रहे होंगे, भक्त लोग कहीं जाते हैं तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं, बिल्कुल चिपट जाते हैं, जबकि कोई परिचय नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एकदम अपना बन करके सामने आ जाते हैं। और महाप्रभु ने तो प्रैक्टिकल दिखाया झारखंड के उसमें जंगल में, जंगली प्राणी भी जो है चिपट रहे थे, महाप्रभु को चाट रहे थे उनको, क्या नाम है, जब कोई प्रेम से होता है ना तो रगड़ करके चलता है, ऐसे रगड़ करके चल रहा है। तो ये सुविधा, ये दो विशेष गुण जो है
भक्ति का जो पहली शुरुआत होती है साधना भक्ति से आ जाते हैं, और जब दूसरी फिर आगे बढ़ता है तो दो फिर और गुण आ जाते हैं। ये दो तो होते हैं उसमें भाव भक्ति में, और दो और ऐड हो जाते हैं, वो है क्या नाम है, मोक्ष लघुताकृत और सांद्रानंद विशेषात्म, नहीं सुदर्लभा, मोक्ष लघुताकृत और सुदर्लभा। तो मोक्ष लघुताकृत क्या है, तो मोक्ष लघुता है कृत, मतलब जो भगवान की भक्ति है, जो बड़े बड़े ज्ञानी जिस मोक्ष के लिए विरक्ति के द्वारा और अपने को जो है संसार से पूरी बैराग के द्वारा और चिंतन के द्वारा उस ब्रह्म का चिंतन करते करते कई लंबे समय बाद भी, हजारों वर्षों के बाद भी बड़ा दुर्लभ होता है, लेकिन भक्ति का ये प्रभाव होता है कि पुरुषार्थस्तु चत्वार त्रिणांते समन्ततः। पुरुषार्थस्तु चत्वार, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मुक्ति जिसको कहा गया है, मोक्ष लघुता कृत जिसके लिए जो निर्विशेषवादी हैं ज्ञानी हैं वो अखत प्रयास करते हैं, उनके लिए वो दुर्लभ हो जाता है, लेकिन भक्तों के लिए वो क्या हो जाता है, वो ही बिल्कुल बोलते हैं तृणांते समन्ततः, तृण के समान हो जाता है, फट से नहीं मिल जाता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। सालोक्य श्राष्टि सामीप्य सारूपक्यम तो अप्युतः दीयमानम न गृहंती बिना मत सेवनम जना, ये जो है भागवत में कहा गया है। सालोक श्राष्टि और सारूप्य और सामीप्य, ये चार प्रकार की मुक्ति जो है सायुज्यत को भक्त चाहते ही नहीं, लेकिन ये अन्य जो दूसरी हैं वो भी क्या होती हैं, दीय मानम न ग्रहणाती मत सेवन, मेरी सेवा के अलावा इनको भी वो किक मार देते हैं, नहीं चाहिए भाई हमें नहीं चाहिए, ये भक्ति का प्रभाव होता है। आप सोच सकते हैं भक्ति कितनी पावरफुल है, लेकिन चौथा बोल रहे हैं इसमें भाव में सुदुर्लभा भी है, ये जान लेना चाहिए, ये भगवान ये सब देंगे। इसलिए हम देखते हैं कि भक्त आते हैं शुरू में थोड़ा कठिनाई होती है, बाद में खूब ऐसा आराम की जिंदगी जीते हैं, बहुत से शादी कर लेते हैं, कुछ विदेश चले जाते हैं, कुछ जो है घर की चिंता करने लग जाते हैं, बैंक बैलेंस बनाने लग जाते हैं और सब हो जाता है उनका, सब हो जाता है, इसलिए इसको सुदुर्लभा कहा गया है, क्योंकि भगवान भक्ति नहीं देते हैं, क्योंकि भक्ति देंगे तो बिच जाएंगे अपने को उसके अधीन हो जाती है भगवान, इसलिए यहाँ बोलते हैं साधनोध्यय अनासंगई अलभ्या सुचिरात अपि। बहुत बहुत साधन करने पर भी साधनेध्यय अनासंगई, अनासंग साधन करने पर अलभ्या, ये भक्ति क्या है, अलभ्य है, लभ्य नहीं है। सुचिरात अपि, सुचिरात अचिरात बहुत लंबे समय तक भी प्राप्त करने पर भगवान इस शुद्ध भक्ति को नहीं देते हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसमें साधनाध्यय अनासंगय, अनासंगय अर्थात आसक्ति रहित, साधनों से कुछ मिलने वाला नहीं है, अनासंगय अर्थात साधनों में आसक्ति होनी चाहिए हमारी, नहीं करना ही है, क्योंकि आसक्ति ही प्रेम का फूल है, ठीक है ना, प्रेम रूपी जो लता है, आसक्ति क्या है, एक फूल है, जब फूल लगते हैं लता में तो उम्मीद होती है कि अब फल लगेंगे, तो इसलिए आसक्ति जो है इसका एक फूल है, और फल क्या है, फिर भाव फल है, उसका पहला चेरी क्या बोलते हैं, जो आम आम में आता है ना पहले शुरू में खट्टी खट्टी, क्या बोलते हैं उनको, कैरी, खट्टी होती है वो, लेकिन वो ही फिर आगे चल करके पक जाता है, फिर जो है आहा
खूब खाते हैं, आम हमें खूब अच्छा लगता है, जब भी मौका मिलता है हम छोड़ते नहीं, खूब जोश हो सब खूब अच्छा लगता है। ये है फल, है प्रेम का ये फल है, पका हुआ फल है। तो इसलिए आसक्त मतलब साधनों में आसक्ति होनी चाहिए, अनासक्ति है साधन दे, बहुत बहुत साधन करने पर यदि अनासंगी अनासंग भाव है उसमें आसक्ति नहीं है तो ये अलभ्य भक्ति क्या होगी, अलभ्य सुचरात अपी, बहुत लंबे समय तक कितना भी करते रहो सालों साल बिता दो, इसलिए आसक्त होकर के करना पड़ेगा। तो ये जो है, और तीसरा है जो है ये भाव भक्ति में क्या है, मोक्ष लब्धाकृत सुदुर्लभा, और प्रेमा भक्ति में है सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी तथा सांद्रानंद विशेषात्मा, जो जो सुख जो है निर्विशेषवादियों को प्राप्त होता है, जिसके लिए अखत प्रयास करते हैं, ब्रह्म ज्योति का जो सुख है उनका जो टारगेट रहता है, भक्ति के सामने वो सांद्रानंद क्या होता है, बोलते नैति भक्ति सुखाभ्योदय परमाणु तुला अपि ब्रह्मानंदेन भवेत ऐसा ब्रह्मानंद भवेत, जो ब्रह्मानंद जो सुख है वो क्या होता है कि भक्ति के सामने परमाणु तुलाम अपि एक छोटे से अणु के बराबर हो जाता है। यानी भक्ति का जो सुख है वो कैसा है, समुद्र की तरह है, और जो है क्या नाम है ब्रह्मानंद का सुख है, ब्रह्म ज्योति का जो सुख है वो कैसा है, एक परमाणु के तुल्य लगता है भक्ति के सामने, भक्ति सुख के सामने। इसलिए बोलते हैं आनंदम अम्बुद वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत स्वादनम, अम्बुद आनंद, अम्बुद आनंद का जो समुद्र है बढ़ता ही बढ़ता जाता है भक्ति से। और हम बताने वाले थे श्री कृष्ण आकर्षणी, मतलब इस पॉइंट को हम यहां बताना चाहते थे, प्रेमा भक्ति क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रेमा भक्ति क्या करती है, कृत्वाम हरि प्रेम भाजम प्रिय वर्ग समन्वितम भक्ति बसी करोति इति श्री कृष्ण आकर्षणी मता। बोलते हैं कि जो प्रेमा भक्ति है वो क्या करती है, कृत्वा हरिम प्रेम भाजम, जो भगवान हरि की प्रेम से जो है सेवा करता है, प्रेम विशेष है, तो उससे क्या होता है, प्रिय वर्ग समन्वित, उनका जितना भी परिवार है भगवान का, भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन उनका पूरा प्रिय वर्ग, उनका जो समाज है, उनके जो भक्त हैं, उनके जो परिवार है, पूरा पूरा क्या हो जाता है, वो सारा का सारा प्रसन्न हो जाता है। और ये भक्ति क्या करती है, इतनी पावरफुल होती है कि भक्ति बसी करोति इति श्री कृष्ण आकर्षणी तथा, मतलब भगवान उस भक्ति के बस में हो जाते हैं, और ये भक्ति क्या करती है, भगवान को गोलोक से भी खींच लेती है, आकर्षण कर लेती है, जैसे विशाल मैग्नेट लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करती है, दूर से खींच लेती है, ऐसे भक्ति भगवान को खींच लेती है। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने कहा है कि भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण को एक तुलसी दल थोड़े से जल से भी सरलता से प्रश्न किया जा सकता है। भक्ति प्रेम चाहिए भाई, अंदर से पुकार चाहिए, आर्तनाद चाहिए भगवान को, ये खींचती है भगवान को। जैसे आप सभी जानते हैं, एक मिनट में मैं समाप्त करता हूँ, टाइम तो हो ही गया है, फिर भी हम बोलते हैं दो एक मिनट के लिए, मतलब कैसे भगवान बस में करती है। तो जिस समय क्या नाम है उनका वो हरण हो रहा था द्रौपदी का, तो द्रौपदी का हर वस्त्र हरण कर रहे थे, दुशासन खींच रहा था जो 10,000 हाथियों की ताकत रखता था, और बेचारी वो तो द्रौपदी तो अबला थी, स्त्री है, इतनी ताकत उसके पास में कहाँ। तो इसलिए द्रौपदी की समझ में नहीं आ रही, मैं करूँ तो क्या, तो उन्होंने पहले अपने सबसे सहायता मांगी, जहाँ जहाँ उस पहुँचती उसकी सबसे उसने सहायता मांगी, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। अब द्रौपदी ने देखा अब तो मेरी लाज जाने वाली है, अब क्यों नहीं एक बार मैं गोविंद को पुकार करके देखूँ,
और जैसे उसने कहा, देखा कि अब जो होना है वो तो होकर के रहेगा, ऑलरेडी हो ही रहा है, मैं कहाँ तक इससे मैं बचा सकती हूँ, एक झटका देगा है मेरी धोती खुटकल के कहाँ जाएगी, कहाँ पड़ेगी। तो उसी समय उन्होंने कहा जो होना है हो जाने दो। फिर उसने हाथ उठाए और फिर आवाज लगाई, किसके लिए? कृष्ण के लिए। कृष्ण कृष्ण द्वारका वासे गोपी जन वल्लभ कौरवे परिभूता मां किम न जानाति केशव। कृष्ण कृष्ण द्वारका वासी गोपी जन, ये जो नाम है ये भगवान को खींचते हैं, इसलिए कलयुग में नाम बहुत प्रभावशाली है। कृष्णाकर्षणी, ये नाम गौलोक से खींच लेता है। तो जो भक्ति भाव से, जो प्रेम से जो नाम लेता है, भगवान कहीं भी क्यों ना हो खींचे चले आते हैं। और उसी का परिणाम ये हुआ, जैसे ही द्रौपदी ने हाथ उठा करके, आर्त हो करके, जब हाथ उठा करके भगवान को पुकारा, इन नामों को पुकारा, तो भगवान द्वारका से खींचे चले आ गए। और उसी समय भगवान ने द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया, चिंता करने की जरूरत नहीं। और हम सब जानते हैं आगे चल करके क्या हुआ है। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता गया खींचता गया, सबको मालूम नहीं चल रहा है भाई किस मिल से आ रही है, कौन सप्लाई दे रहा है यहाँ है, सब बार बार चश्माओं को साफ कर रहे, क्या हो रहा है इधर, एक धोती थी ये खत्म क्यों नहीं हो रही है, ये तो पहाड़ लग गया हिमालय। और दुशासन को भी आश्चर्य हो रहा है, भाई पूरा 10,000 ताकत थी, लेकिन भाई ताकत का भी तो अंत है ना, खींचते खींचते पसीना पसीना हो गया है, सांस चल रही है, जैसे लगता है कि अब उसके प्राण ही निकल रहे हैं बाहर को, और अंत में बेहोश होकर के धड़ाम नीचे गिर पड़ा, लेकिन साड़ी का अंत नहीं कर पाया। ये श्री कृष्ण आकर भगवान को, ये नाम कोई आर्त होकर के पुकारता है खींच लेता है। इसलिए नारद जी ने कहा था भक्ति महारानी को, जब भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में जो है बहुत दुखी हो रही थी, भक्ति तो वृंदावन में यौवन अवस्था को प्राप्त की, लेकिन बाद में जो है पुत्रों को देख करके बहुत दुखी थी, तो नारद जी ने समझाया भक्ति महारानी आप सोचो, आप कोई साधन नहीं हो, आप साक्षात भक्ति है। और त्वया आहु तस्तु भगवान याति नीच गृहस्वपि, जहाँ तुम रहती हैं भगवान उस कितने भी नीच से नीच व्यक्ति के अंदर यदि आपका प्रवेश है, आपका वास है, तो भगवान को वहाँ उस नीच में व्यक्ति के अंदर भी जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आपसे तो भगवान खिंचे चले आते हैं। और उसका प्रमाण है सदन कसाई, सालिग्राम से जो है गोविंद मुरारी गोपीनाथ गिरधारी है मांस तोल्ला है, और भगवान भी उसके हाथों का स्पर्श पाने के लिए लालायित रहते हैं है? क्योंकि वो भी तो पूर्व जन्म का भक्त था, किसी कारण से उसको इस शरीर में चला गया, लेकिन क्या होता है बाहर से क्या कर रहा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अंदर से क्या कर रहा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है।, है वो तो पूरा भगवान के नामों में तन में रहता था, इसलिए भगवान जो है उसके इस है इससे इस उसके जो है इस आर्थ से, उनके नामों की पुकार से भगवान स्वयं पत्थर बन करके उनके पास में आ गए, सोच लो। और उससे वो फिर वो मांस तोला, कितना 1 किलो चलो सालग्राम रखा, और वो पत्थर भी इतना ऐसा हो गया जितना जो चाहिए 100 ग्राम तो वो ही 100 ग्राम हो जाएगा, 1 किलो तो 1 किलो साहब उससे, तो उनको भी बड़ा आनंद आ रहा है कि भगवान सालग्राम है, तो वो सुन रहे हैं अंदर से बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन एक महात्मा देख रहे थे क्या बात है भाई है, क्या नाम है जो क्या नाम है जो कसाई, हाँ जो कसाई है, ये तो कोई लगता है पत्थर नहीं है, ये तो काला काला कुछ लगता है, कुछ सालग्राम जैसा दिखाई देता है, पास में गए उसको डांट फटकार, बदमाश तू कर क्या रहा है, तुझे नहीं मालूम ये किससे तोला है, पत्थर है ये, पत्थर है ये, भगवान है।
अरे राम 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 भगवान है, बहुत गलती हो गई मुझसे है, हे प्रभु आप लेकर के जाइए, इनकी सेवा पूजा मैं सेवा करूँगा। और आसन पर बिठाए, पूरा पत्रम पुष्पम जो कुछ था अर्पण किए और स्तुति की, प्रणाम किए, सब कुछ किए, लेकिन भगवान को बिल्कुल आनंद नहीं आया। और रात्रि में कहा, अरे ब्राह्मण तू लेके तो आया, पूजा भी खूब कर रहा है, लेकिन जो आनंद मुझे उसके जो कीर्तन में आ रहा था ना, ये आनंद अब यहाँ नहीं आ रहा है, इसलिए तुरंत तू क्या कर, मुझे तू उसको पास में दे करके, वो जो कर रहा था बिल्कुल ठीक था, मैं प्रसन्न था, इसलिए तू मुझे वहाँ पहुँचा दे। और सुबह होकर के उन्होंने क्या किया, वहाँ लेकर के गया, उनसे कहा भैया तुझे जो करना है तू कर, मांस तोल या शराब तोल कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान तुझे चाहते हैं तू ही ले। तब उसको जो है बड़ा एहसास हुआ कि मेरी मेरे लिए भगवान जो है क्या ना, भगवान होकर के भी और इतना मेरे गंदे हाथ नीच व्यक्ति की सेवा ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा अब मैं इस वृत्ति को नहीं करूँगा, और उसी समय तुरंत उनको वैराग्य हो जाता है और घर छोड़ करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि भक्ति प्रबल होती है, कैसे भगवान को खींचती है। तो इसलिए जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान है वहीं सब छह गुण वहाँ पर बात करते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, टाइम हो गया, कोई प्रश्न तो हम बाद में लेंगे, ऑलरेडी टाइम हो गया है, बहुत भीड़ लगी है, समाप्त करते हैं, ठीक है ना। जिनका कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं बाद में जाकर के। हरे कृष्णा।